लानत जहरा के दुश्मनों पर, मालूम क्या किसी को दर्दे नहा हमारा। देखिए आज की महफिल में आला हजरत की ज़मीन में कलाम सुपरहिट हुआ, अल्लामा इकबाल की ज़मीन में, यानी आप ये देखिए इकबाल, गालिब, असातिज़ा, आला हजरत किसी को छोड़ ही नहीं रहे हैं सब। और क्या क्या कहने साहब, अनीस की ज़मीन में नायाब साहब, और नायाब साहब 19 होते ही नहीं, तो देखिए अनीस की ज़मीन में ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो आज की महफिल की एक ही खसूसियत होगी, मगर क्या साहब उम्दा कहा कि साहब मालूम क्या किसी को दर्द नहा हमारा, क्यों कर रहे हैं, है ना, ज़हरा के दुश्मनों पर क्यों कर रहे हैं लानत, मालूम क्या किसी को दर्द नहा हमारा। इसी बनारस में एक शेर पढ़ा गया था, बनारस में पढ़ा गया था और पूरे हिंदुस्तान में उसको जो है उसकी गूंज हुई थी। आमा आज़मी अहले सुन्नत शायर, आँखों से नाबीना, मगर उन्होंने क्या शेर कह दिया कि किस्सा बाग फिदक सुनने की फुर्सत ही नहीं, किस्सा बाग फिदक सुनने की फुर्सत ही नहीं, कितनी दिलचस्पी मुसलमान को कश्मीर से है। किस्सा बाग फिदक सुनने की फुर्सत ही नहीं, किस्सा बाग फिदक सुनने की फुर्सत ही नहीं, कितनी दिलचस्पी मुसलमान को कश्मीर से है। और मस्जिद में क्या फर्शियाजा देख के दिल कह रहा है कि शब्बीर भी जिंदा है, इस्लाम भी जिंदा। बहुत अच्छा खता उनका था। यह मैं चार मिसरे पेश कर रहा हूँ जनाब सुरूर लखनवी के। ये मुसल्ला जो सरे फर्श अज़ा रखा है, ये मुसल्ला जो सरे फर्श अज़ा रखा है, करबला ने इसे मरने से बचा रखा है। ये मुसल्ला जो सरे फर्श अज़ा रखा है, करबला ने इसे मरने से बचा रखा है, करबला ने इसे मरने से बचा रखा है। और देखकर लगता है मस्जिद के ये मीनारों को जैसे मातम के लिए हाथ उठा रखा है, जैसे मातम के लिए हाथ उठा रखा है। आइए मैं आपके शहर का एक शायर जो इस वक्त आपकी नुमाइंदगी पूरी दुनिया में कर रहा है, और वो अपने शहर में बहुत कम मगर बहुत अच्छा पढ़ता है, जनाब अंबर तुराबी साहब से मैं गुजारिश करूंगा, तशरीफ ले आए जनाब अंबर तुराबी साहब। अंबर जान पेश करता हूँ एक सलवात का सहारा दे पर मोहम्मद वाले। मतलब मैं आप सबको शामिल करता हूँ, हाजिर करता हूँ शहजादी जनाब जहरा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में। पेश करता हूँ कि दुनिया ए सितम मुझको तेरा खौफ ही क्या है। आप सब शामिल हैं इस मतले में, चाहे जैसे सुने कि दुनियाए सितम मुझको तेरा खौफ ही क्या है, दुनियाए सितम मुझको तेरा खौफ ही क्या है, हमराह मेरे फातिमा जहरा की दुआ है, मेरे फातिमा जहरा की दुआ है, दुनियाए सितम मुझको तेरा खौफ ही क्या है, हमराह मेरे फातिमा जहरा की दुआ है। अब नैयर भाई अब जो शेर पढ़ने जा रहा हूँ वो अपने वतन के मिजाज का पढ़ने जा रहा हूँ, देखिएगा सब बोलेंगे इंशाल्लाह। दुनिया ए सितम मुझको तेरा खौफ ही क्या है, हमराह मेरे फातिमा जहरा की दुआ है, जब एक खुदा एक नबी एक है कुरान, जब एक खुदा एक नबी एक है कुरान, फिर क्यों ये मुसलमान कई फिरकों में बटा गए, कई फिरकों में बटा गए, फिर क्यों ये मुसलमान कई फिरकों में बटा है। ये भी आपके बिल्कुल मिजाज का शेर, पसंद आ जाए तो दुआओं से नवाजिएगा। फिर क्यों ये मुसलमान कई फिरकों में बटा है, आवाज उसे देता है सदियों से जहन्नम, आवाज उसे देता है सदियों से जहन्नम, जहरा जो तेरे जिक्र से दुनिया में खफा है,
जहरा जो तेरे जिक्र से दुनिया में खफा है, जहरा जो तेरे जिक्र से दुनिया में खफा है। अश्के गम शबीर में तर कहती हैं आंखें। दूसरा मिसरा अगर आप तक पहुंच जाए तो दुआओं से नवाजिएगा। अश्के गम शबीर में तर कहती हैं आंखें, अश्के गम शबीर में तर कहती हैं आंखें, उल्फत का ये सैलाब रुका था न रुका है, उल्फत का ये सैलाब रुका था न रुका है, उल्फत का ये सैलाब रुका था न रुका है। और ये शेर बतौर खास समात फरमा ले हजरत। उल्फत का ये सैलाब रुका था न रुका है, दुश्मन के कदम कैसे बढ़े बिनते पयंबर, दुश्मन के कदम कैसे बढ़े बिनते पयंबर, दुश्मन के कदम कैसे बढ़े बिनते पयंबर, दरवाज़े जन्नत पर तेरा नाम लिखा है, दरवाज़े जन्नत पर तेरा नाम लिखा है, दरवाज़े जन्नत पर तेरा नाम लिखा है, दरवाज़े जन्नत पर तेरा नाम लिखा है। ये शेर बतौर ख़ास ना भाई अर्ज़ करता हूँ। दरवाज़े जन्नत पर तेरा नाम लिखा है, पोशीदा लिबासों में कभी हो नहीं सकता। दूसरा मिसरा सुनना जितना बतौर ख़ास के पोशीदा लिबासों में कभी हो नहीं सकता, पोशीदा लिबासों में कभी हो नहीं सकता, हर ऐब तेरा खुद ही खुदा देख रहा है, हर ऐब तेरा खुद ही खुदा देख रहा है, हर ऐब तेरा खुद ही खुदा देख रहा है। जब तेरी सना करता मैं पहुंचा सरे महशर, जब तेरी सना करता मैं पहुंचा सरे महशर, जब तेरी सना करता मैं पहुंचा सरे महशर, रिजवान ने कहा आदर फिरदौस खुला है।